बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। ब्राइट फ्यूचर की जानिब से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग न्यू यूज़र हो या फिर ओल्ड यूज़र हैं, अगर आप लोगों को इन 5 वेबसाइट का नहीं पता तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आप लोगों का इंटरनेट इस्तेमाल करने का फिर फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है पूछो? उससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल ब्राइट फ्यूचर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चले चलते हैं 5 वेबसाइट के जानिब। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट्स हैं। अब आप कहेंगे जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है? अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आप लोग फेसबुक बना रहे हैं या फिर पासवर्ड बना रहे हैं या वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या फिर आप लोगों ने नया पीसी लिया है, इसमें ब्राउज़र डाउनलोड कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो या वीडियोस वगैरह जो कुछ भी आप लोगों को ज़रूरत है वो सारे डाउनलोड कर रहे हैं और भी बहुत सारे मसले पेश दरपेश आते हैं। आप लोग नेट पर मुख्तलिफ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, किधर से डाउनलोडिंग करें, क्या पासपोर्ट भूल गया हूँ, यूज़र नाम भूल गया हूँ, ऐसे तमाम लोगों को मसाइल होते रहते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ 5 वेबसाइट्स शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। वो कैसे? अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम नी नाइट है। ये ऐसी वेबसाइट है, अगर आप नया पीसी लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इनका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और बाकी खुद ब खुद इंस्टॉल करेगी। आप लोग जो सिलेक्ट करेंगे वही को ऑटोमेटिकली अपलोड करेंगे। अभी कैसे अपलोडिंग कर डाउनलोडिंग करती है? कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ जाते हैं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो ये कैसे काम करेगी हमारे पास? हमने ये कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर यहाँ अपने जो भी ब्राउजर आप खोल के उसमें टाइप करें नी नाइट टाइप करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस वाला एक विंडो खोल के सामने आएगा। इंस्टॉल एंड अपडेट ऑल योर प्रोग्राम्स एट वन, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ये आप लोग देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, पिक द ऐप यू वांट। आपने जो भी यहाँ से ऐप चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ से ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ये सारे हैं, आप लोग उठा सकते हैं इनमें से कोई भी। ये वेब ब्राउज़र है, यहाँ से सारे नीचे ये, और ये मैसेजिंग है, ये मीडिया है, ये रन टाइम है, इमेजिंग है, सारे कुछ है। इसके बाद नीचे डेवलपर टूल्स है और भी बहुत कुछ सारे यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये कर रहा हूँ, ऐसे नीचे आके इनमें से कोई एक ये कर रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर आप लोगों को बता रहा हूँ ये कर रहा हूँ। इसको करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर गेट योर नी नाइट इसके ऊपर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके साथ कंप्यूटर में पीसी में अपलोड डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो ये थी हमारे पास ये पहले जो नी नाइट। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट है वो वायरस टोटल है। ये वेबसाइट क्या करती है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वायरस आ गया मोबाइल में या फिर पीसी में वायरस आ गया या फिर लैपटॉप में वायरस आ गया। तो आप जो भी चीज़ डाउनलोड करने से पहले, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो या तस्वीर हो या ऐप हो या फाइल हो या ब्राउज़र हो, जो भी हो या फिर ऑनलाइन चेक करते हैं, तो वायरस टोटल आप लोग URL भी टेस्ट कर सकते हो कि वायरस फाइल में है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए। तो इसको कैसे चेक करते हैं हम स्क्रीन के ऊपर जाके ही देखते हैं। हम वायरस टोटल लिखते हैं तो हमारे पास ऐसा ही विंडो शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास फाइल लिखा हुआ है, अगर फाइल आप लोग सर्च करना चाह रहे हैं तो फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये जो नज़र आ रहा है, ये इससे नीचे ये चूज़ फाइल जो नज़र आ रही है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आप लोग URL को मदद से सर्च कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी URL होगा वो टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं, मैंने वॉलपेपर लिखा है तो ये मुख्तलिफ वॉलपेपर आए हैं। अब मैं देखता हूँ इनमें वायरस है कि नहीं, इनके URL मैंने कॉपी कर दिया है, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट किया और पेस्ट करके सर्च करने लग जाता हूँ तो देखते हैं अभी इसमें वायरस है या नहीं है। इसमें कोई भी वायरस नहीं है, ज़ीरो वायरस यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, ये देखें ये ज़ीरो वायरस है। नीचे ये देखें, ये क्लियर है, क्लियर है, क्लीन है, सारे
ये जितने भी है सब क्लीन है। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से ये जितने भी वॉलपेपर है जो भी है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई वायरस वायरस नहीं है। हमारे पास तीसरे नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम है नेम चेक। ये वेबसाइट क्या चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि आप लोग न्यू आ रहे हैं इंटरनेट पर, आप लोग चाहते हैं कि मैं फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाऊं, ट्विटर पर बनाऊं, इंस्टाग्राम पर बनाऊं, या फिर यूट्यूब या कोई वेबसाइट्स बनाऊं, तमाम इंटरनेट की बड़ी वेबसाइट पर, और चाहते हैं कि ये सारे अकाउंट्स एक ही नाम पर हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम वहां से और वहां पे मौजूद है या फिर किसी और कोई और यूज़ कर रहा है। ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी, आपको बताएगी आपका नाम किस जगह इस्तेमाल हुआ है या किस जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो चलो ये कैसे हमें बताए, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके आप लोगों को बता रहे हैं। ये मैंने नेम चेक लिख दिया तो हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ जो भी सर्च करेंगे, जो भी नाम लिख के आपका नाम जो नाम है उस नाम को, या जो नाम से आईडी बनाना चाहते हैं या चैनल बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे वो नाम लिखेंगे, लिख के यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सामने आ जाएगा। देखें, देख सकते हैं यूज़र नेम, ये जो अब येलो जो है, येलो और ग्रीन जो है, ये इस्तेमाल ये इन जगहों पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। मिसाल खान फेसबुक पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूट्यूब पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। मिसाल ये जो ट्विटर पे इस्तेमाल हो गया है, देखो ये जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये ब्लैक जो है ये सब इन वेबसाइट्स के ऊपर इस्तेमाल हो चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे डोमेन्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो काले हैं वो यूज़ हो चुके हैं इन जगहों पर, जो ग्रीन है या येलो है उन जगहों पे यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये था हमारे पास तीसरा जो वेबसाइट थी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो अब हम आगे चल के हमारे पास चौथे नंबर पे जो वेबसाइट है वो स्ट्रांग पासवर्ड जनरेटर है। अक्सर लोगों को ये मसला होता है जब पासवर्ड रखते रहे होते हुए जब पासवर्ड रख रहे होते हैं तो आप लोग अपना नाम या फिर मोबाइल नंबर या आई लव यू पाकिस्तान जैसे पासवर्ड, आसान पासवर्ड रखते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं और हर बंदा इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग स्ट्रांग पासवर्ड इस वेबसाइट से उठा सकते हैं। तो आप लोग स्ट्रांग पासवर्ड इस वेबसाइट से उठा सकते हैं। वेबसाइट में कैसे उठा सकते हैं इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमने ओपन कर दिया स्ट्रांग पासवर्ड। यहाँ से आप लोगों के सामने एक ऐसी विंडो शो हो गई जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आप लोगों का पासवर्ड है। यहाँ जनरेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पासवर्ड आ गया। अगर ये पसंद नहीं है तो फिर क्लिक करेंगे, दूसरा पासवर्ड आपके सामने आ गया, फिर क्लिक करेंगे, तीसरा पासवर्ड आपके सामने आ गया। अब जो भी पासवर्ड आप लोग की मर्ज़ी है, जितने आप देख सकते हैं उतने ये आगे शो करता जाएगा। ये बहुत मुश्किल और हार्ड पासवर्ड होता है, ये किसी के बस की बात नहीं है कि इस तक पहुँचे या इसको एक्सेस करें या यहाँ तक पहुँचे और देख सकें। तो आप लोग अभी ये कहते हैं होंगे कि इतना मुश्किल याद कैसे रखते हैं। याद रखने के लिए एक और वेबसाइट हमारे पास मौजूद है, चलो उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। यानी ओपन करने से पहले इस वेबसाइट के बारे में हम आप लोगों को कुछ बताएं, तो जिसका नाम है लास्ट पास, कमाल की वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या काम करती है, ये वेबसाइट आप लोग जहाँ जहाँ लॉगिन होते हैं या फिर अकाउंट बनाते हैं, आप लोग यूज़र नाम या पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये वेबसाइट ऑटो सेव करती जाती है। अगर आप ज़िंदगी में कभी भूल जाएं, अक्सर लोग भूल जाते हैं पासवर्ड या फिर यूज़र नेम वगैरह जो कुछ भी भूल जाते हैं, तो इस वेबसाइट में सिर्फ लॉगिन करना है और इस वेबसाइट का पासवर्ड और यूज़र नेम सिर्फ याद रखना है। इसके बाद ये तमाम वेबसाइट और पासवर्ड खुद ब खुद शो कर देगी। अब ये कैसी यूज़ करनी है, चलो चेक करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने खोल दिया, यहाँ पे हम आ गए जनाब अपने वेबसाइट के जानिब और जिसका नाम है लास्ट पास। यहाँ से हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी अगला आप लोग लॉगिन होते हैं कि यहाँ पे आपके यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेव करता जा रहा है। देखो ये फेसबुक पे, अमेजोन पे, न्यूज़ पासवर्ड पे, हर जगह पे जहाँ पे भी आप लोग चले जाएंगे ये सेफ होगा। यहाँ से आप लोग इसमें लॉगिन हो सकते हैं इस जगह से, और ये फ्री में डाउनलोड आप लोग करें, प्रीमियम नहीं करो फिर भी कोई मसला नहीं है, फ्री में आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ से आप लोग फ्री डाउनलोड इसको कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद बस सिर्फ इसी
वेबसाइट का पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। बाकी जितनी भी 10 आइडियाँ आपकी क्यों ना हो, जीमेल हो, वेब हो, यूट्यूब की हो, फेसबुक की हो, जो भी हो, गूगल की हो, जिसकी भी आईडी हो, ये खुद ब खुद अपने पास ऑटोमेटिक सेव करती जाएगी और आप लोग यहाँ से इंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।